प्लेस स्टेशन का जो सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया का वो है दिल्ली। दिल्ली में आपको सब मिलता है प्ले स्टेशन का, चाहे कॉन्सोल हो चाहे गेम्स हो, और चीप से चीप सेकेंड हैंड कॉन्सोल भी सब मिलता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे होते हैं सप्लायर बहुत ज़्यादा, वहाँ कस्टमर भी आते हैं, और वहाँ पे जो होते हैं स्कैम, ये बताऊँगा मैं आपको वो स्कैम जो दिल्ली में होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्ले स्टेशन मार्केट में। अब वो क्या है मेरे साथ भी होते होते रह गए। तो जो यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम होता है प्ले स्टेशन मार्केट दिल्ली में वो है फेक प्रोडक्ट्स। जो होते हैं शॉपकीपर्स आपको देते हैं फेक प्रोडक्ट्स, मैंने मतलब यहाँ पे ये आपसे कहते कुछ हैं देते कुछ हैं। आप गए अगर कस्टमर PS4 लेने, स्लिम मान लो, ठीक है आप गए, उसने कहा भैया देखो ये PS4 है बिल्कुल नया जैसा है, अनरिपेयर्ड है, ले जाओ मज़ा आ जाएगा खेलोगे तो, आप ले लेते हो, उनकी बातों में आ जाते हो। लेकिन सच्चाई है वो होते हैं कॉन्सोल रिपेयर्ड, आपको झूठ बोल के बेच देते हैं कि यह अनरिपेयर्ड। आप घर ले आते हो फिर आपको आती है प्रॉब्लम, आज से 2-3 महीने बाद आप कहोगे मैं तो थक गया। और ये चीज़ें होती हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, ये चीज़ें होती हैं। शायद आपको वो पता ना चले, शायद आपका कॉन्सोल कभी ख़राबी ना हो, लेकिन रिपेयर्ड अगर है तो रिपेयर्ड बोल के बेचो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो। अगला स्कैम क्या है? वैसे ये स्कैम नहीं है, बस एक बहुत ही अच्छा बड़ा बिजनेस है। हमको यहाँ पे सबको पता है, यहाँ पे सबको पता है कि जो दिल्ली में जो प्ले स्टेशन मार्केट है वहाँ पे गेम सेल होते हैं, कॉन्सोल सेल होते हैं, दो नंबर के काम होते हैं। मेरे मतलब यहाँ पे है जेल ब्रेक, मेरे मतलब यहाँ पे है फेक PSN। आपसे साफ कहते हैं आपके मुँह पे जो गेम चाहिए नाम लो, आपके कॉन्सोल में करूँगा डाउनलोड, आपके सामने कोई गेम हो, नया गेम हो पुराना गेम हो, सब मिलेगा मात्र 25 रुपये पर गेम, 100 रुपये पर गेम, जो कहोगे वो मिलेगा। लेकिन क्या ये सब लीगल है या इलीगल है? आपको जवाब पता है, मुझे पता है इलीगल, लेकिन तब भी खुल्लम खुल्ला सब बिखरा है, सब ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, क्या ये सोनी को पता है? बिल्कुल पता है, लेकिन वो यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। रीज़न क्या, उनको पता है कि जो इंडियन कस्टमर है उसके पास इतनी ज़्यादा परचेजिंग पावर नहीं है कि वह हर एक गेम ले 4-5 हज़ार का, और इसी वजह से यहाँ पे जेल ब्रेक का अब तक कोई भी फिक्स नहीं है। जेल ब्रेक होना ही है, वो तो होगा ही, PS5 का जेल ब्रेक भी होगा। अब यहाँ पे जो अगला स्कैम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और मैं आगे जाने से पहले करें प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, और मिलेगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ मिलेगी आपको बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग सर्विस, PC रिलेटेड डिस्कशन, प्ले स्टेशन रिलेटेड डिस्कशन, या फिर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इशू हो आपके प्ले स्टेशन का, PC का, या फिर किसी भी गेम की बात करनी हो, जाके ज्वाइन करो, और आपको वहाँ पे गेम्स भी मिल सकते हैं रेंट पे। जो अगला स्कैम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और हो रहा है। अब आप एक एग्जांपल लो, अब ये गेम आया राइज ऑफ द रोनिन, तो मान लो मैंने वो गेम कराया प्री ऑर्डर, सही है, किसी भी शॉप पे दिल्ली में, और मैंने दे दिए शॉपकीपर को 1500-2000 रुपये फॉर द प्री ऑर्डर। मैंने देखा रिव्यूज़ तो अच्छे नहीं है यार, रिव्यूज़ इतने बेकार क्यों आ रहे गेम के, 5-6 मिल रहे हैं 10 में से। मैंने पूछा चलो करा लो प्री ऑर्डर कैंसिल, अब ये फ्लिपकार्ट अमेजोन तो नहीं है, सही है, मतलब ये जो मैंने 2000 रुपये दिए हैं वो क्या मुझे वापस मिलेंगे? तो मैं गया दोबारा शॉपकीपर के पास, उसने कहा भैया आपका गेम तो आ गया, क्या रिफ़ंड करना है? क्या पागल हो गए? रिफ़ंड नहीं होगा, रिफ़ंड नहीं कर सकते भैया, हमने आपका गेम मंगा लिया है, आपने पैसे दे दिए हैं, हमने गेम मंगा लिया है, अब तो आपको गेम लेना ही पड़ेगा, या फिर आपसे कहेंगे कि भैया दूसरा गेम ले लो, ये चलो मत लो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसे सब नहीं होते, ऐसे बहुत फिलर हैं जो बिल्कुल जेन्युइन अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ होते हैं जिनका ईमान ख़राब हो जाता है। अब मैं बताऊँगा आपको मेरी स्टोरी मेरे PS4 की। 2020 में मैंने PS4 स्लिम लिया था दोबारा, और मैंने कराया था वो कोरियर दिल्ली से, फिर मैंने ढूंढे सेलर्स उस टाइम पे कि कौन सा बेस्ट है, मैंने एक को ढूंढा, मैंने उसको 1000 रुपये दे के करा प्री ऑर्डर 1 महीना पहले, और एंड में मैंने PS4 मंगा लिया। लेकिन ये जो था 1 महीना, यहाँ पे मैंने करे काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन कि जो बंदा है, ये जो सेलर है, ये कैसा है। मुझसे बहुत लोगों ने कहा ये जो बंदा है ना, ये आपको देगा रिपेयर कॉन्सोल, आपको ठग लेगा, मतलब इसकी सर्विस बहुत ही वाहियात है, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें मैंने सुनी थी। मैंने सोचा चलो कराओ उसको प्री ऑर्डर कैंसिल, लेकिन फिर सोचा चलो मंगा लेते हैं, फिर मंगा लिया, और जो कॉन्सोल आया बिल्कुल चिकना लगा कि इसमें लगी पॉलिश, लेकिन वो कॉन्सोल चला बिल्कुल ज़बरदस्त बढ़िया। मैंने उसको यूज़ करा अराउंड 1 साल और फिर सेल कर दिया, और जिसको सेल करा शायद ये वीडियो वो देख रहे होंगे, मुझे पता है। तो यहाँ पे ये हुआ था मेरे साथ, मतलब वो ये, अगर आपको कुछ कन्फर्म करना है ना किसी के बारे में, तो पहले यूज़ करो प्रोडक्ट, फिर अपनी बनाओ ओपिनियन, ऐसे सुन के मत बना लो कि भैया ये कह रहा है अच्छा नहीं है, तो अच्छा नहीं होगा।
ऐसे नहीं करते हैं और शायद वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो अब चलो बात करते हैं एक और स्कैम के बारे में जो हुआ था। ये बात है 2020 की, 21 की, 22 की, तब यहाँ पे PS5 बिक रहा था ब्लैक में। और जब मैं अपना PS5 ढूंढ रहा था लेने के लिए, मुझे कोई नहीं मिला। फिर मैंने करा उसी बंदे को कॉन्टैक्ट जो मुझे PS4 दिया था, मैंने उसे कॉल करी, वो बोला भैया आपको PS5 मिलेगा डिस वाला 70K का। मैंने कहा फट 70K का डन, मतलब इतना महंगा। फिर मैंने अपना PS5 लिया 60K का, लेकिन 10,000 सस्ता मिला फिर भी। तो यहाँ पर चीज़ें हुई थी और फिर से होने वाली हैं। कैसे होने वाली हैं? PS5 Pro। अब वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ बात कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो आपको बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिसको मैंने अपना PS4 सेल किया था, PS5 भी दिया था, सेल किया था, वो भी बहुत ही बढ़िया सेलर है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त सेलर है वो। अब यहाँ पे मतलब कहने का मेरा यही है कि हर सेलर ऐसा काम नहीं करता है कि आपको फ्रॉड करे, लेकिन ऐसा ये भी नहीं है कि हर सेलर आपको बहुत ही अच्छी सर्विस देगा। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर आपको जो भी लेना है, ऐसे बंदे से लो, बिल्कुल जेन्यून हो, आपको बहुत ही एक नंबर सर्विस दे, और करें प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरे चैनल पे व्यू अच्छे आते हैं, वॉच टाइम अच्छा आता है, लेकिन जो सब्सक्राइबर रेट है वो बहुत ही कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, आपको दिखेगा नीचे एक बटन सब्सक्राइब का, उसको दबाओ। इससे क्या होगा, हमारे फ़ायदा होगा, हमें मिलेगा मोटिवेशन और आपको मिलेगा एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आगे जाके। यहाँ पे लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये है सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लो नीचे जाके, और बराबर में मिलेगी आपको एक घंटी, उसको दबा लो। उससे क्या होगा, जब भी मैं डालूंगा अगली वीडियो, आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, वहाँ जाइए, उसको ज्वाइन करें। फिर आपको यह मिलने वाली है बहुत ही तगड़ी, बहुत ही बढ़िया गेमिंग सर्विस, क्योंकि बेस्ट है।